हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। आज हम एक शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरी आइडियल हैं, जिनसे मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ उनकी बहुत सारी वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड की हैं, उनसे आइडिया ले लेके। फ्रेंड्स, उस शख्सियत का नाम है रक्षा की रसोई की रक्षा मैम, जो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने जीवन में। आज वो 60 लाख लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं, 60 लाख लोग उनके फॉलोवर हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, उन्हीं की रेसिपी से आइडिया लेती हूँ, और उनके बारे में मैं जहाँ तक कहूँ कुछ सब कुछ कम ही है। उनकी तारीफ मैं कितनी भी कर दूँ लेकिन वो कम ही है। वो कुकिंग की लाइन की, ये कहें कि कुकिंग की वो एक क्वीन है, जिनके हम सब उनकी जैसे कि उनसे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। उन्होंने अभी अभी एक नया चैनल बनाया है, रक्षा की रसोई ब्लॉग, जिसमें वो जो भी छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको सिखाती हैं कि हाँ कैसे करो, टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना चाहिए, थंबनेल कैसे लगाना चाहिए, इस बारे में बताती हैं। और उनकी वीडियो देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मुझे तो काफ़ी मिला। मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुई और जब से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है मेरी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत बदलाव आया है। मेरे चैनल पे पहले बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते थे, जब से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया है, उनसे उनके जो आइडियाज़ हैं उनसे मैं आइडिया लेके जब से मैंने शुरू किया है, तब से मेरे में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रही थी, मुझे ये नहीं पता था, मैं एक लाइन से भक्ति चली जा रही थी, मुझे ये नहीं पता था कि कैसे अपलोड करना चाहिए, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लगाना चाहिए। तो मैंने जब मैम को देखा, मैम के ने कभी कभी ये भी लगता था हमको कि हमें YouTube बंद कर देना चाहिए, हमें नहीं चलाना चाहिए, मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुई। लेकिन जब से मैम का हमने वीडियो देखा कि मैम ने बताया कि हाँ हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है, और काफ़ी उन्होंने अपने ससुराल में ही स्ट्रगल किया, अब वो मायके में रहती हैं और वहाँ से रह के वो आज 60 लाख लोगों के दिलों पे राज करने लगी हैं। 6 मिलियन आप समझ सकते हैं, 6 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं और उनको इतना पसंद करते हैं। उनकी रेसिपी जो हैं वो बहुत ही सिंपल होती हैं, जो हम के घर की नॉर्मल चीज़ों से ही हम उनकी रेसिपीज बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमें नहीं चाहिए कि भर भर के पैसा हम लगाएं तब हम उनकी रेसिपीज़ को ट्राई करें, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर और स्वीट डिशेस, केक, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो कि एकदम सिंपल हैं। जैसे कि मैंने भी ट्राई किया था कि ब्रेड से आइसक्रीम बनाना, मैंने ये आइडिया भी मैम की वीडियो देख के ही लिया, और कस्टर्ड से आइसक्रीम बनाना और बचे हुए चावल की रेसिपीज, ये सारे आइडियाज़ मैंने मैम के ही चैनल से लिए हैं और मैं उनसे उन्हीं को मेन फॉलो कर रही हूँ। और उन्हीं के जब से मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। वो प्याज लहसुन वाली वीडियोस बनाती हैं, मैं उन प्याज लहसुन स्किप कर देती हूँ, और लेकिन वीडियो कोशिश करती हूँ कि उन्हीं के तरीके से बनाऊँ। हो सकता है मेरी ज़िंदगी में भी बदलाव, मैंने भी बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, हमने स्ट्रगल किया है, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मैम बहुत आगे तक जाएं और मेरी बात उनके तक पहुंच जाए कि हाँ मैं उनके लिए कितनी ज़्यादा उनके लिए मेरे दिल में कितनी ज़्यादा इज्जत है, मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, वो मेरे आइडियल हैं। मैं उन्हें बहुत कुछ, जितनी भी मैं उनकी तारीफ़ करूँ वो कम ही है, वो मेरे लिए क्वीन है, बहुत बहुत ज़्यादा वो मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। और उनका पहले चैनल था जो उसमें वो प्रेगनेंसी के बारे में वो बताती थी,
उसमें वो ससुराल में वो वीडियो बनाती थी, उनका सबने बहुत विरोध किया। उसके बाद उन्होंने जब से कुकिंग का चैनल शुरू किया, वो बताती हैं कि मेरे कई चैनल हैं लेकिन मैं सब पर रेगुलर काम नहीं कर सकती हूँ। मैं यही रक्षा की रसोई से चाय की जब उन्होंने वीडियो बनाई, तो वो बताती हैं कि चाय की वीडियो मेरी वायरल हो गई। उसी वीडियो से मैं काफ़ी ऊपर हो गई और उन्होंने काफ़ी जो जिनसे उन्होंने सीखा था उन सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। उनकी वीडियो में उन्होंने बताया, मैं जिन्हें मैम बोलती थी, जिन्हें सर बोलती थी, उनको भी मैंने पीछे छोड़ दिया। तो काश हम लोगों की ज़िंदगी भी इस तरीके की हो जाए, मैम हम लोगों को भी सपोर्ट कर दें। जैसे मैंने सुना है कि वो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करेंगी, उनको उनका साथ देंगी। जैसा उनके बताया मेहनत ज़रूरी है, तो सही बात है कि मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, बिना मेहनत के तो कोई फल नहीं मिलता। लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी हम लोग को उसका रिस्पांस नहीं मिलता, हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा है। मैम अगर अपनी एक दया दृष्टि हम सबके ऊपर भी दे दें, काफ़ी वीडियोज़ हमने देखी कि उनके लिए बन चुकी हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे भी बनाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी आइडियल है, मेरी गुरु हैं, मैंने उन्हें बहुत बहुत कुछ सीखा है। और काफ़ी रेसिपीज आप सब खुद जाके देख सकते हैं कि उनकी काफ़ी रेसिपीज हमने अपने चैनल पे ली हैं। उनको उनका उनके आइडिया से मैंने भी फ़ायदा लिया है, मैं भी फ़ायदा उठाना चाहती हूँ, लेकिन ईश्वर ने अभी तक मुझे सफलता नहीं दी है। तो यही सोच रही हूँ कि हाँ शायद मैम तक मेरी बात पहुँच जाए, वो मुझे सपोर्ट कर दें। अभी तक मुझे किसी ने प्रमोट नहीं किया, ना ही सपोर्ट किया, मैं अपनी मेहनत से हूँ, बस ईश्वर का साथ है। जो जहाँ भी हूँ मैं अपने दम पे हूँ, तो अगर मैम की दया दृष्टि हो जाएगी तो शायद मुझे भी अपना करियर आगे बढ़ाने की आगे बढ़ सके मेरा करियर। और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, हाउसवाइफ ये नहीं कर एक टैग लगाना चाहती कि हाउसवाइफ कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स यही तक मेरी वीडियो थी कि रक्षा की रसोई, आप उनसे जुड़िए। और उन रक्षा की रसोई ब्लॉग्स में वो टेक से रिलेटेड वीडियो बनाती हैं और उसे मोटिवेट करती हैं लोगों को, तो आप उनसे जुड़िए और उनकी जो भी बातें हैं उनको सीखे, उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो मेरी बातें यहीं तक फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई आइडिया के साथ। तो बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।